सीट जीत पर लटेरी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जयस्तंभ चौक पर एकत्रित होकर पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई एवं एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयां दी गई। उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य 3 राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक विजय से भाजपा में जश्न का माहौल देखने को मिला है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस विजय का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी योजनाओं को एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया है। राज्यों में जो ऐतिहासिक विजय भाजपा को मिली है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे जो ऐतिहासिक विजय यूपी में मिली है आपको? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो ऐतिहासिक विजय भारत के 4 राज्यों में जो हुई है उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को जाता है, उनके मार्गदर्शन को जाता है और देश के विकास के लिए उनकी जो महत्वपूर्ण योजना है उनका जो प्रभावी क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों ने धरातल पर किया उसको जाता है। हम सबका कल्याण चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। उसके लिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विजयी बनाया है। भविष्य में भी इसी ढंग से भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, कार्य करती रहेगी। संपूर्ण कार्यकर्ताओं का उसमें योगदान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जिन्होंने विशेष योजनाबद्ध तरीके से चुनाव संचालन किया, उनको भी इस जीत का पूरा श्रेय जाता है। क्या क्या मुख्य मुद्दे रहे इस ऐतिहासिक विजय के लिए? इसके लिए विकास महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसके शासन सुशासन सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में गई। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा वहां पर जो सपा की सरकार वहां पर थी कि जन से गुंडा माफिया अपराधी बलात्कारी इस ढंग के लोगों का वहां पर वर्चस्व था, लोगों के साथ भयावह संकट लोगों के बीच में पैदा हो गया था, उनका जीवन असुरक्षित था। इन सारी चीजों से बचने के लिए लोगों ने योगी को चुना, योगी ने सुरक्षा दी। लटेरी से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।